and welcome back to my channel everyone. I'm Prashant and today I'm going to unbox this DJI Spark Flamer combo. और मुझे बहुत टाइम से इस ड्रोन को लेना था, फाइनली पापा ने मुझे दिला दिया. एंड मैंने अली एक्सप्रेस से कुछ सामान भी मंगाया, इसका पहले से मंगा लिया था मैंने, तो इससे भी हम अनबॉक्स करेंगे पर लास्ट में, इसे देखने के लिए लास्ट टाइम ही पर. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग. सो इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ ये तीन बॉक्स है. सबसे पहला ड्रोन ऑब्वियसली, सेकेंड मैनुअल जो आई थिंक कोई नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं पढ़ी, मैंने सबको यूट्यूब से ही देखा था एक्चुअली. एंड थर्ड ये बैग केस और बैग जो भी कह लिया बस. एंड इस बैग में सारी एसेसरीज रखी होती है इसकी, दो एक्स्ट्रा बैटरीज, चार्जिंग हब, केबल एंड रिमोट. तो पहले इसको खोलते हैं, ड्रोन के बाद में खोलेंगे. सो या सबसे पहले इसमें दो ही चेन है, एक ये वाली और एक ये वाली. सो अगर आप आई वाली चेन खोलेंगे तो इसमें रखा है एक चार्जिंग हब, इसमें एक साथ हम तीन बैटरीज कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं और उसकी वायर एक. एंड जो मेन चेन है उसमें दो बैटरीज, स्पेयर बैटरीज एंड चार्जिंग हब, सॉरी चार्जर विद अ केबल. आई थिंक ये केबल किसी काम आएगी नहीं क्योंकि ये अमेरिकन स्टाइल वाली केबल है, इंडिया में शायद बहुत कम स्विच है, तो या हमें कनेक्टर यूज करना पड़ेगा इसके लिए. एंड एक्स्ट्रा प्रोपेलर गार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर है मेरी तरह, क्योंकि मैंने एक बार से क्रैश कर चुका हूँ ड्रोन को, तो अगर आप मेरी तरह बिगिनर तो इन्हें जरूर यूज करने, बहुत काम किए हैं, चार हैं ऑब्वियसली. एंड दिस लुक एट इट मैन, कितना कूल है इसका रिमोट, यहाँ फोन एंटेनास एंड दिस जॉयस्टिक्स, कितना कूल है. बस और कुछ बॉक्स में है नहीं आपको दिखाने के लिए, ये सब इसके एक्सेसरीज. एंड नाउ time to unbox this. 3, 2, 1. Ta-da! Look man, how cool and how small. iPhone 7 DJI Spark. iPhone 7 DJI Spark. Look at it. That chota iPhone. That chota the Spark hai nahi. And ye hai iska button on karne ke liye. Battery dikha raha hai. एंड गिम्बल मिल, अगर इसे टच नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, जितने दूर आए गिम्बल में मिल से तो या अच्छा है, खराब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विचिंग ऑन दिस. इसको आपको ऑन करने के लिए इसको दो बार दबाना होगा, 1, 2 एंड इट्स ऑन. सेम विद द रिमोट, ये रहा इसका बटन, 1, 2 एंड इट विल बी स्टार्ट. और इसे कनेक्ट करने के लिए इसमें येलो ऐसे जो आ रही हैं दिख रहा होगा, येलो ग्रीन फ्लैश हो रही है, तो आपको फंक्शन पॉज एंड जी वाला बटन दबाना होगा एक साथ तीनों को पेयर करने के लिए इसको. एंड इट्स कनेक्टेड, कनेक्ट हो चुका है मेरा ड्रोन. नाउ अब कनेक्ट करते हैं अपना फ़ोन. आई प्रिटी श्योर आपको साइड में दिख रहा होगा कि फ़ोन कैसे कनेक्ट करते हैं छोटी स्क्रीन में. सो या आप जाएंगे अपने वाईफाई में, अपने स्पार्क का आरसी देखेंगे, स्पार्क का वाईफाई नेम पीछे एंड इसका पासवर्ड भी साइड में इधर लिखा होगा इधर. तो आप अपने स्पार्क कनेक्ट करेंगे, डीजेआई के ऐप में जाएंगे, स्टार्ट फ्लाइट. फिर उसके बाद आपको पहले कैलिब्रेट करने पड़ेगा इसको, एंड कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कंपस एंड IMU है, उसकी वजह से आपको इसे कैलिब्रेट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम. तो आप इसे कैलिब्रेट करना बहुत आसान है, पर गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, अरे आपने ड्रोन अगर कहीं बाहर से लिया है तो पहले इसको फर्म अपडेट मत करिएगा इसका फर्मवेयर, क्योंकि मेरे साथ गलती हो चुकी है ऐसी. मैंने पहले इसका फर्मवेयर अपडेट कर दिया और वो अपडेट बीच में टूट गया था, तो मेरा IMU की प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे पूरा ड्रोन फैक्ट्री रीसेट करना पड़ा था लैपटॉप से. तो या इसका ध्यान रखिएगा आप लोग. सो आपको स्क्रीन पर साइड में आ रहा होगा इसका, देखिए कैमरा ओप्स नहीं साइड हो गई, देखिए साइड में बना रहा होगा. सो अभी टेक ऑफ होगा नहीं क्योंकि हमें जगह नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, आपको दिखा रहा था सिर्फ. अभी इसे बंद करते हैं, बाद में दिखाऊंगा मैं आपको. सेम विद द वन, 1, 2 एंड इट्स ऑफ. और अब बात करते हैं अली एक्सप्रेस वाले बॉक्स की. एक्चुअली मैंने इसकी थोड़ी एसेसरीज मंगाई थी जो मुझे बहुत चीप रेट्स मिल गई, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. पहले स्पार्क एंड द रिमोट
also. So yeah, ये है वो mystery box हम कह सकते हैं. इसमें निकला पहले तो finger guard. Like अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे उड़ते वक्त तो आपके यहाँ से fingers कट सकते हैं blade की वजह से. तो ये finger guard इधर लग जाएंगे चार दो सॉरी दोनों साइड finger guards. मैं आपको दिखाऊँ कैसे हैं. ये रहा finger guard, एक ये लग जाएगा ऐसे. ओके लग गया फिंगर गार्ड, ऐसी दो साइड लग जाएगा. सो यार इसका भी मुझे यूज नहीं है तो इसको निकाल दो. इट्स बेटर पुट इट बैक. देन वी हैव दिस स्मॉल कवर फॉर माय स्पार्क कैमरा कवर. आई एम प्रीटी श्योर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा. ये छोटा, ये बहुत काम का. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसको बैग वैग में रखा तो ये जो गिम्बल है आपका ऐसे हिलता रहेगा. तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है. आप अपने गिम्बल और सेंसर में लगा दीजिए एंड ऊपर तक ये ऐसे फिट बंद हो गया, काम खत्म. तो ये हिलेगा नहीं एक्चुअली. थर्ड है हम पे ये रिमोट का. लाइक आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉयस्टिक इसकी ऐसे हिलती रहेंगी तो ये टूट भी सकती है. उनके लिए कवर 3, 2, 1 एंड दैट्स इट. And then we have this propeller guards, extra propeller guards. Actually, मैं पता नहीं था कि flame और combo के साथ हमें propeller guards मिलेंगे, तो मैंने मंगा लिए थे उसके लिए. ये है extra propeller guards और ये एक छोटा सा sun hood. Like अगर आप इसे धूप में उड़ा रहे हैं तो ये sun hood काम आ सकता है आपको. I'm pretty sure आपके काम आ जाएगा. So guys, that's it. ये था मेरा AliExpress में और इस बॉक्स में और कुछ था नहीं. आप देखते हैं कैसे उड़ाएंगे इस ड्रोन को. सो या लेट्स स्टार्ट. सो या गाइस दैट्स इट अबाउट अनबॉक्सिंग दिस वीडियो. मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बनाया है. कोई मैंने फालतू की बकवास नहीं करी है. इसमें ये है वो है कुछ नहीं, सिंपल सोवर जो है इसमें आइटम मैंने सब आपको बता दिया है. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक. एंड या नए हो तो सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ए नोटिफिकेशन. एंड ऑल्सो कुछ भी आपको मुझे पूछना हो तो प्लीज़ इंस्टा फेसबुक या ट्विटर पर मुझे मैसेज करें. तीनों की लिंक्स नीचे होगी. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो इसके बाद ड्रोन शॉट्स आने वाले हैं, उनका मजा लेंगे.